स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Asus के मदरबोर्ड Z370E गेमिंग मदरबोर्ड। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसका कंटेंट कि इसमें क्या कुछ हमें अपग्रेड वर्जन देखने को मिलेगा Asus Z270 से 370 में। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। ये ऊपर हमें मिलता है कुछ गाइड और मेन कंटेंट, तो इसके अंदर देखते हैं एक बार। कैसे किया ये? ओके, तो ये शायद है वाईफाई और ब्लूटूथ का एंटीना। बिल्कुल ये वही है, वाईफाई और ब्लूटूथ का एंटीना है ये, जिससे हम अपने मदरबोर्ड में डायरेक्टली वाईफाई और ब्लूटूथ का एक्सेस कर सकेंगे पीसी के अंदर। और ये इसका स्टैंड है और ये साइड में इसका एंटीना है जिसमें दो वायर हैं, और ये दोनों वायर हैं ये सीपीयू में पीछे की तरफ लग जाएंगे। इसको रखते हैं एक बार साइड में और देखते हैं एक बार मेन यूनिट की तरफ, मेन यूनिट में क्या है। ज़्यादा वजन तो नहीं है, मैंने यूनिट को रखते हैं एक बार साइड में और बाकी देखते हैं। ये कुछ शायद स्टिकर वगैरह और सीडी वगैरह होनी चाहिए, और इस साइड में ये कुछ साटा केबल वगैरह है और मदरबोर्ड के पीछे के लिए लगाने के लिए है, और ये बाकी ढेर सारी केबल्स हैं जो कि सिस्टम को कनेक्ट करने के काम आएंगी, और ये स्टिकर है पूरा। ये सीपीयू का ऊपर का कवर है, अगर हम काम में ना लें तो, सॉरी ये तो रॉक ब्रिज है, ये रॉक ब्रिज है, और ये इसका गेम ऑन का स्टिकर है, और ये केबल्स हैं। ये सीपीयू के ऊपर का लगाने का है, ये स्ट्रिप्स हैं, सटा केबल हो गई, और ये बैग पीछे का कवर हो गया, और ये शायद एंटीने के लिए ही है, और ये नट्स हो गए। एक में खूब सारे स्टिकर और इसका सेटअप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की डीवीडी है वो मिलती है, और ये इसका स्टार्टअप गाइड। ये इसके कुछ और स्टिकर्स हैं जो वायर्स पे लगाने के काम आते हैं, वायर्स को ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए। देखते हैं हमारी मेन यूनिट की तरफ, मेन यूनिट में नया क्या कुछ है। कैश मेमोरी जो है सीपीयू के लिए, ये सीपीयू के ऊपर लगने का कैश मेमोरी है, वो 12 MB तक की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 8th जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर लग जाएगा, और ये पीछे की तरफ है, डिजिटल पोर्ट दिया गया है डिजिटल साउंड के लिए, USB 3.0 और 3.1 के पोर्ट दिए गए हैं, टाइप सी का डायरेक्ट एक्सेस दिया गया है। M.2 हार्ड डिस्क के लिए 2 स्लॉट दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।